हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वार्धक्य जन्य विकार। ये ऐसा संहिता में कुछ ऐसे वार्धक्य जन्य विकार करके पॉइंट है नहीं, लेकिन हम जो है इसको कैसे कोरिलेट करके या फिर कैसे किस आचार्य ने क्या बताया उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वार्धक्य जन्य विकार ऐसा पता चल रहा है इसके नाम से, जो वृद्ध अवस्था जन्य जो होते हैं यानी एज रिलेटेड जो नॉर्मली जो बीमारियां होती रहती है उसको वार्धक्य जन्य विकार बोलते हैं। ठीक है, आचार्य जो चरक हैं और सुश्रुत हैं उन्होंने भी जो जैसे स्वाभाविक कुछ विकार होते हैं जैसे जिनको हम नहीं टाल सकते, जैसे जरा हो गया, मृत्यु है, शुद्ध है, तृष्णा है, निद्रा है, इनको हम रोक नहीं सकते, बुढ़ापे को हम किसी तरीके से रोक नहीं सकते। ठीक है, तो जो उस वार्धक्य यानी वृद्धावस्था जन्य जो विकार है लेकिन उनको हम रोकने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वार्धक्य जन्य विकार क्या होते हैं? आचार्य चरक ने तो जो 60 वर्ष से ऊपर है और 100 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको वृद्धावस्था माना है, और आचार्य सुश्रुत ने उन्होंने वृद्धावस्था की जगह जो है वो वृद्धावस्था की जगह उन्होंने जीर्ण अवस्था जो है वो वर्ड एक्चुअल जो है वो बोला है। ठीक है, और जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 70 वर्ष की जो ज्यादा अवस्था है उसको बोला है वृद्धावस्था। तो ये मैंने श्लोक के फॉर्म में लिखा, अगर आप इसको याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना ये हिंदी में भी आप लिख सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं है कि 70 वर्ष से ऊपर की जो आयु है उसको वृद्धावस्था में रखा है इन्होंने। और बोला है शीय मान धातु इंद्रिय, जो क्षीण क्या क्या हो जाता है यानी वृद्धावस्था जन्य विकारों में क्या आएंगे कि धातु है जो वो क्षीण हो जाएंगी, इंद्रियां हैं उनका बल है, वीर्य है, उत्साह है, ये सारे इन सबकी क्या होती है, हानि होती है। फिर वलय झुरियां पड़ने लग जाती है, पलित हो गया, खालित्य हो गया, जुष्टम का श्वास प्रभृति, कहां श्वास आदि जो है वो ये उपद्रव स्वरूप होते हैं, और सर्व क्रियासु असमर्थम, सारी क्रियाओं को करने में असमर्थ होता है जो पेशेंट है वो। और ये उन्होंने उपमा दी है, ये आप अलग से लाइन करके लिख सकते हो, जीर्णागार मीव वृष्टम अवसीदंती वृद्धम च आचक्षते, यानी आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जैसे जीर्णागार हो, कोई बहुत पुराना घर हो और अभिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश की वजह से क्या होता है वो गिरने की कगार पे होता है ना कि गिर जाता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है वृद्धावस्था है। ठीक है, इसमें सभी धातुएं क्षीण हो रही है, बल वीर्य उत्साह ये सब हीन हो रहा है, खली वलित पलित ये सारे हो रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद आप ये सब लिखने के बाद एक लक्षण पॉइंट ऐसे ऐड कर सकते हो और उसमें सब लिख सकते हो, जैसे कि मनुष्य को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, ठीक है, उसके बाद उसका स्मृति नाश हो जाना, बल भी क्षीण हो जाता है, उत्साह में कमी, और अवसाद से ग्रस्त होता है, और इसमें वात प्रकोपित होता है, जैसे हमें पता है वृद्धावस्था में तो अल्प निद्रा आएगी पेशेंट को। ठीक है, और अत्यंत जो है वो दृढ़ स्वभाव के हो जाते हैं। ठीक है, अति संवेदनशील होते हैं मतलब इमोशनल ज्यादा होते हैं, चिंतित स्वभाव के हैं, धारण ग्रहण शक्ति ये सब नष्ट हो जाती है, भूल भी जाते हैं चीजों को। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट, अब आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, जो मानसिक तौर पे पेशेंट को सांत्वना देनी है मतलब, ठीक है, यानी सत्वा विजय चिकित्सा करनी है उसकी, उसको प्रसन्नचित रखना, शांत रखना है रोगी को, और मेध्य रसायन है जैसे रसायन का प्रयोग कराना है उनको। हम जो एज है उसको नहीं रोक सकते पेशेंट की, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन उससे होने वाले कुछ विकार है जिनको हम शमन कर सकते हैं, जैसे उसको पहले से अगर रसायन प्रयोग कराते हैं, उसको बोलते हैं दिनचर्या ऋतुचर्या इन सब के अकॉर्डिंग आहार विहार करते हैं, तो उसकी देह सही रहती है, नॉर्मली तो वृद्धावस्था को प्राप्त होगा ही, लेकिन उसमें होने वाले विकार जो है वो कुछ कम हो सकते हैं अगर वो पहले से प्रिवेंटिव जो जेरियाट्रिक्स वाला फॉर्म आएगा वो वार्धक्य जन्य विकार में आ सकता है। ठीक है, तो रसायन जो है वो उनको देने हैं, फिर जैसे अभ्यंग कराना है पेशेंट को, पादाभ्यंग है, स्मृति सागर रस देना है, चवन प्राश, ब्राह्मी वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, अश्वगंधा चूर्ण, बला चूर्ण, ठीक है, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट, अभ्यंग जैसे नारायण तेल से, शीर बला तेल से, महामाश तेल से कर सकते हैं, ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत आदि कुछ योग आप अलग से ऐड करके डाल सकते हो, और मॉडर्न में जैसे आप रिलेट करके लिख सकते हो ऐसा, क्योंकि ये कहीं है तो नहीं अलग से पॉइंट में, तो आप रिलेट करके लिख सकते हो कि मॉडर्न में भी कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो एज रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अल्जाइमर डिजीज है वो एज रिलेटेड होती है मेनली, जो ओल्ड एज वाले उनमें देखने को मिलता है। ठीक है,
और पेशेंट को जैसे कैटरेक्ट हो जाता है वो भी, ये सब भी वार्धक्य के जन्य विकार है। तो जो मॉडर्न के पॉइंट्स है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वार्धक्य के जन्य विकार। थैंक यू।